भाई यहाँ पर स्पीड देखिए देखिए भाई, रियल पूरा सिस्टम मिला दिया यार इसने, पूरा सिस्टम। आप सभी को पता ही होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले 2 लाख रुपए के 3D प्रिंटर को अनबॉक्सिंग करा था। और गाइस इस वाली वीडियो के अंदर हम उन 3D प्रिंटर की स्पीड टेस्ट करेंगे, क्वालिटी टेस्ट करेंगे और इनके फीचर को टेस्ट करेंगे। हमारे इस रेस के अंदर शामिल होने वाले पहले कंटेस्टेंट है इंडर S1 Pro, सेकंड है हमारा सेरमून V1, थर्ड वाला जो है वो है क्रेलिटी का K1। ये है 35,000 रुपए का, ये है 45,000 का और ये है 68,000 रुपए का। ये किंग ऑफ स्पीड, इसका स्पीड जो है ना इतना ज्यादा है कि फाड़ के रख देता है। और ये साइलेंट प्रिंटर है, ये आवाज नहीं करता प्रिंट करते समय, और इसकी तो बात ही मत कीजिए, सारे फंक्शंस है और प्राइस काफी कम है। तो गाइस इस टाइप का कंपैरिजन का वीडियो यूट्यूब पे शायद ही कहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। ये वीडियो उनके लिए जो कि 3D प्रिंटर परचेस करना चाहते हैं नया, लेकिन कंफ्यूज है कि क्या खरीदें, तो इनका कंपैरिजन चालू करते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इन सभी के अंदर। और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो देखने के बाद कि कौन सा प्रिंटर अच्छा लगा। तो भाई हम सबसे पहले एक फाइल लेंगे और तीनों प्रिंटर के अंदर एक ही फाइल को अपलोड करेंगे और यहाँ पर इनको चालू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इनकी स्पीड टेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वालिटी चेक करेंगे, क्या हमें 70,000 रुपए देना सही है या फिर हमारे 70,000 रुपए बर्बाद है, या फिर जो 70,000 वाला काम कर रहा है वो 35,000 वाला भी कर देगा। तो चालू कर दे फटाफट से। गाइस ये तीनों कार्ड रीडर और पेन ड्राइव देख सकते हो आप, इनके अंदर हमने फाइल को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर इसके हम प्रिंटर के अंदर लगाने वाले हैं। फाइनली गाइस तीनों प्रिंटर के अंदर हमने यहाँ पर फाइल को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर प्रिंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक मोबाइल स्टैंड की फाइल है जिनको यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। फाइनली गाइस इसमें भी फटाफट से यहाँ पर मोबाइल स्टैंड की जो है उसको प्रिंटिंग पे लगा देते हैं और यहाँ पर भी लग चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो है K1 इसके अंदर भी कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा फाइल कहाँ गया है, USB के अंदर जाना होगा। थोड़ा ये एडवांस है गाइस, इसके अंदर काफ़ी फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया और प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये कॉपी करके हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर हमारे फर्स्ट जो प्रिंटर है इसने प्रिंटिंग चालू कर दी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में एक लकीर बनाकर देख रहा है पहले कि हमारा जो है फिलामेंट वो सही गर्म हुआ या फिर नहीं हुआ है। और यहाँ पर इसने जो प्रिंटिंग चालू कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये जो है गर्म नहीं हुआ, इसका जो बेड है वो भी गर्म नहीं हुआ अभी। और यहाँ पर जो है ये अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। और गाइज ये जो है अभी देखो अभी यहाँ पर लेवलिंग कर रहा है और इसमें जो है थोड़ा लेवलिंग में टाइम लगता है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो यार ये जो है काफी कम रेट का है और लेकिन यहाँ पर जो इसने प्रिंटिंग काफी जल्दी चालू कर दी है। तो भाई यहाँ पर K1 प्रिंटर का मैं ऊपर का ढक्कन आपको खोलकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बेड है ये ऊपर नीचे होता है और प्रिंटर के अंदर एक्सट्रूडर जो होता है वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर जो है बेड ऊपर नीचे होता है। ये काफी अमेजिंग सा प्रिंटर है। और गाइस इसी टाइप से सेलमून जो है इसके अंदर भी बेड भी ऊपर जाता है और हमारा एक्सट्रूडर जो है वो लेफ्ट राइट अप डाउन करता है। इसके अंदर 3 फैन लगे हुए हैं जो कि यार अगर ढक्कन खोल के हम चालू करें इसे तो काफी ज्यादा आवाज करता है, लेकिन अगर हमने ढक्कन लगा दिया इसका तो हमें पता नहीं लगता कि यहाँ पर जो ये चालू है या फिर बंद है। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा सबसे कम रेट वाला प्राइस का जो प्रिंटर है वो काफी जल्दी यहाँ पर चालू हो चुका है और इसने प्रिंटिंग भी काफी जल्दी चालू कर दी है। और इसके बाद जो आप देख सकते हो सेरमून जो है इससे थोड़ा महंगा है। और ये जो साइलेंट प्रिंटर है यहाँ पर देख सकते हो इसने भी हमारी 3D प्रिंटिंग को चालू कर दिया है और यहाँ पर ये प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर चुका है। इसने थोड़ा लेट करा है लेकिन चालू कर चुका है। और जो हमारा स्पीड किंग है भाइयों ये अभी लेवलिंग ही कर रहा है, यहाँ पर इसने प्रिंटिंग चालू नहीं करी है। मुझे लग रहा है यार ये जो 70,000 रुपए वाला जो है स्पीड किंग है मुझे नहीं लगता ये जीतने वाला है इसके अंदर। मुझे लग रहा है यहाँ पर कि कछुए और खरगोश वाली कहानी रिपीट होने वाली है, क्योंकि भाई ये जो कछुआ है ये जल्दी से चल चुका है और यहाँ पर जो आप देख सकते हो खरगोश है ये सोच रहा है कि हम जो है काफी स्पीड में चलते हैं तो हम इससे आगे निकल जाएंगे और ये अभी तक यहाँ पर टाइम पास ही कर रहा है। और भाई ये जो साइलेंट प्रिंटर है ना यार ये काफी ज्यादा स्लो लग रहा है मुझे इसके मुकाबले। यहाँ पर देख सकते हो इसका एक्सट्रूडर कितनी स्पीड से काम कर रहा है। और गाइस इसका जो एक्सट्रूडर आप देख सकते हो यार ये काफी ज्यादा स्लो काम कर रहा है, लेकिन गाइस यहाँ पर जो है ये बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा है। अजीब सी बात है भाई यहाँ पर जो स्पीड किंग है ना यार इसका बोला जाता है काफी स्पीड है, तो 1 से 2 मिनट हो गए लेकिन अभी तक ये टाइम पास ही कर रहा है, कुछ भी इसने प्रिंटिंग भी चालू नहीं करी, अभी तो इसने टेस्ट भी नहीं करा है। हमारा एक्सट्रूडर जो है ना उसने थोड़ा सा भी फिलामेंट को बाहर नहीं निकाला, मतलब अभी ये टाइम पास ही कर रहा है काफी देर से। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा 35,000 रुपए वाला है ना जो नॉर्मल प्रिंटर है, मतलब नॉर्मल तो नहीं ये भी प्रो है, लेकिन भाई यहाँ पर आप देख सकते हो इसने काफी जल्दी काम चालू कर दिया है और प्रिंटिंग भी काफी जल्दी कर रहा है यहाँ पर। और इसी जगह पर आपको सेरमून जो दिखाता हूँ साइलेंट वाला वो देखो यार कितना यहाँ पर धीरे धीरे काम कर रहा है।
अभी तो यहाँ पर भाई इसकी स्पीड हमें देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ पर बाद में देखेंगे यार ये जो स्पीड में काम कर रहा है और ये जो स्लो काम कर रहा है और ये जो टाइम पास कर रहा है, इनमें से कौन जीतता है। भाई यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा मैं कि 7:32 पे हमने यहाँ पर प्रिंटिंग को चालू कर दिया था और अभी 7:35 हो रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्रिंटिंग काफी ज्यादा हो चुका है इसके मुकाबले। और यहाँ पर जो है अभी पहली लेयर ही बना रहा है, अभी पहली लेयर पे काम कर रहा है और ये दूसरी लेयर पे चालू हो चुका है, और ये भाई साहब अभी भी टाइम पास ही कर रहे हैं। काफी देर होगी इनको टाइम पास करते हुए, लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा कि यार ऐसे टाइम पास करते रहे तो ये जीत पाएंगे और हमारे जो 70,000 रुपए वो वसूल कर पाएंगे। ये भाई साहब चालू कर दो ना प्रिंटिंग, 2 से 3 मिनट हो गए आपको टाइम पास करते करते। पहली गाइस यहाँ पर इसने प्रिंटिंग चालू कर दी है और यार देख सकते हो, और देखिए यार भाई वो एक्सट्रूडर कैसे भाग रहा है यार। ओ भाई साहब यार यकीन में यार ये स्पीड किंग ही है भाई साहब, आप देखिए तो सही यार क्या स्पीड से काम कर रहा है यार। मतलब यहाँ पर जो ये पहले टाइम पास कर रहा था ना, ये जो है पूरा लेवलिंग कर रहा था इसके अंदर कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये काफी स्पीड से काम करता है तो यहाँ पर लेवलिंग करना जरूरी है इसका। और हर बार जो हम प्रिंटिंग करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली लेवल करता है, हमें लेवलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो है काफी फास्ट से काम कर रहा है और इसका हमने कोई स्पीड नहीं बढ़ाया हुआ है भाइयों, इसका स्पीड नॉर्मल ही है। मैं वीडियो के अंदर कोई भी कट नहीं लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा इसका एक्सट्रूडर का स्पीड, देख सकते हो आप। और यहाँ पर आइए इसका एक्सट्रूडर का स्पीड देखिए ये कैसे काम कर रहा है, ये देखिए कितना स्लो काम कर रहा है ये। और इसी जगह पर इसका भी देखिए एक्सट्रूडर कैसे काम कर रहा है। और एक बार और आपको उसी K1 प्रिंटर का एक्सट्रूडर आपको दिखाऊंगा कितना ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है, देखिए भाई साहब यार ये जो है ना, मतलब ये ना इन सबका मजे ले रहा था कि बाद में मैं आऊंगा लेकिन सबकी फाड़ के जाऊंगा। भाई ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ पर जो है वीडियो का स्पीड बढ़ा रखा है, लेकिन यार यकीन मानिए हमने कोई भी स्पीड नहीं बढ़ा रखा है। ये जो 3D प्रिंटर है रियली में इतना स्पीड से चल रहा है, और अभी जो ये फर्स्ट लेयर पे काम कर रहा है जो ऊपर आएगा ना उसके बाद और भी ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो इसने फर्स्ट लेयर को कम्प्लीट कर लिया है और सेकंड लेयर पे काम करना स्टार्ट कर चुका है। और यहाँ पर आपको देखिए, आपको दिखा देता हूँ, अभी ये फर्स्ट लेयर भी खत्म नहीं हुई, आधी भी खत्म नहीं हुई इससे, अभी ये फर्स्ट लेयर पे ही काम कर रहा है, आउटर बना रहा है अभी यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, अभी इससे फर्स्ट लेयर भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। ये जल्दी चालू हो चुका था, स्पीड में काम कर रहा है, लेकिन यार इसका स्पीड इतना ज्यादा भी नहीं है कि इसको बीट कर सके। भाई यहां पर स्पीड देखिए, देखिए भाइयों क्या हो यार, मतलब रियल पूरा सिस्टम मिला दिया यार इसने, पूरा सिस्टम मतलब पूरा प्रिंटर जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा प्रिंटर हिल रहा है। ये इसलिए हिल रहा है भाई क्योंकि एक्सट्रूडर जो है ना ये काफी स्पीड से रन कर रहा है, तो यहाँ पर जो है पूरी मशीन वायरेट कर रही है। और भाई ऐसा नहीं कि ये मशीन पूरी हिल रही है मतलब खराब है, इसके नीचे की साइड में रबर के गुट्टे लगे हुए हैं जो कि इसका जो वाइब्रेशन है उसको झेल सके। और हमारी जो टेबल है ना उससे हमें पता भी नहीं चल रहा है कि ये मशीन चल रही है या फिर नहीं चल रही है। भाई साहब यार इसको सही बोला जाता है किंग ऑफ स्पीड, यार स्पीड देखिए यार मुझे मतलब बहुत ज्यादा पसंद आई है इसकी स्पीड। भाई साहब पूरा सिस्टम मिला दिया इसने यार। इसकी मोटर देखिए यार, मोटर कैसे नाच रही है इसकी, वाह यार बहुत ज्यादा स्पीड है। ओह पूरा सिस्टम मिला दिया यार वापस से इसने। ये देखिए भाइयों इसने सेकंड लेयर को भी कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं हमारा सेलमून भाई जो है अभी फर्स्ट लेयर को भी आधा कंप्लीट भी नहीं कर पाए, मतलब ये काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, आवाज नहीं करता है लेकिन यार स्लो काफी ज्यादा है यहाँ पर ये। और यहाँ पर देख सकते हो जो एंडर है हमारा, यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर को मतलब 25% और बाकी रह गया इसका और कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये फर्स्ट लेयर पे ही अभी भी। तो भाई आप देख सकते हो 28 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा पहला वाला प्रिंटर है ना इसका जो यहाँ पर देख सकते हो 7% हुआ है यहाँ पर पूरा, और ये जो सेकंड वाला प्रिंटर है ना इसका यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5% ही हुआ है अभी तक यहाँ पर। और ये वाला जो हमारा प्रिंटर है देख सकते हो, ये जो हमारा K1 स्पीड वाला प्रिंटर है यहाँ पर ये जो है 38% हो चुका है यहाँ पर, काफी जल्दी ये काम कर रहा है। और देख सकते हो ये पूरा ऐसा चल रहा है कि पूरा सिस्टम मिला रहा है, मतलब ये वाला जो है स्लो चल रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि चल रहा है फिर नहीं चल रहा है, मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है ये कहीं बंद तो नहीं हो गया, मुझे आवाज नहीं आ रही इसकी, इसलिए।
तो फाइनली गाइस K1 की जो प्रिंटिंग है ना यहाँ पर ख़त्म होने में, और लीजिए फाइनली गाइस हमारी K1 की प्रिंटिंग ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये होम पोजीशन पे चला गया है। और टाइम की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको टाइम भी दिखा दूंगा मैं कि इसने कितनी जल्दी यहाँ पर प्रिंटिंग किया है। अभी आप देख सकते हो जो टाइम है हमारा वो 8:38 हो रहे हैं, 38 मिनट पर यहाँ पर इसने ख़त्म कर दिया था, अभी 39 हो रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी जल्दी इसने प्रिंटिंग ख़त्म करी है। और प्रिंटर की बात कर ली जाए तो शेरमून देख सकते हो यहाँ पर जो है ये 14% पे अटका हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो अटका हुआ नहीं चल रहा है, 14% तक आए यहाँ पर ये और प्रिंटिंग अभी कर रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हो ये जो साइलेंट प्रिंटर है, और ये जो देख सकते हो हमारे इंडर जो है यहाँ पर 19% पे है, 19% पे यहाँ पर आया ये अभी। और K1 देखिए भाई इससे कितने लेट चला था, लेकिन भाई कितनी जल्दी इसने जो है प्रिंटिंग ख़त्म कर दी है। अब भाई यहाँ पर 11:56 हो रहे हैं और 11:56 पे इंडर की प्रिंटिंग ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यहाँ पर प्रिंटिंग ख़त्म हो गई है और 100% यहाँ पर दिखा दिया है और ये होम पोजिशन पर चला गया है। तो फाइनली गाइज यहाँ पर सेकंड में इसने ख़त्म करा है प्रिंटिंग को, थोड़ा लेट करा है लेकिन भाई वो K1 का मुकाबला नहीं कर सकते, काफ़ी स्पीड रहती है उसकी। और यहाँ पर शेरमून जो देख सकते हो अभी हाल 93% पे, 93% इसका हो चुका है और अभी यहाँ पर ये प्रिंटिंग कर रहा है। 12:15 हो चुके हैं भाइयों, और 12:15 पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पर इसका प्रिंटिंग ख़त्म होने में है, 99% हो चुका है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 12:17 हो गए और 12:17 पे इसकी प्रिंटिंग ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर अभी 12:18 हो गए लेकिन 12:17 पे यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका था। तो गाइस 100% हो चुका है यहाँ पर इसका प्रिंटिंग। तो यार गाइस इनको जो प्रिंटिंग करते करते हमारा जो लगभग 12:01 बज गया था मुझे यहाँ पर फ्री होते हुए, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे जो है शूटिंग कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पर जो हमारा किंग है स्पीड किंग ये है, और गाइस स्पीड किंग जो है ना यार रियली में काफी ज्यादा स्पीड है, इसने पूरी प्रिंटिंग आधे घंटे के अंदर खत्म कर दी थी। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है भाई ये है हमारा एंडर का S1 Pro, जो कि लगभग इसने लगभग 3.5-4 घंटे लगाए इसे प्रिंटिंग में, और इसने जो है लगभग यहाँ पर 4.5-5 घंटे लगाए। तो फाइनली गाइस तीनों की हमने प्रिंटिंग को निकाल लिया है बार की साइड में। ये वाला है K1 का प्रिंटिंग, ये वाला है शेरमून V1 का प्रिंटिंग, और ये है इंडर का S1 Pro का प्रिंटिंग। यहाँ पर हमने एक मोबाइल स्टैंड बनाया है, और इनकी क्वालिटी जो है ना यार अपनी अपनी जगह पर सभी अच्छे हैं। भाई यहाँ पर K1 का जो प्रिंटिंग है ना इसकी क्वालिटी की बात कर ली जाए तो नीचे से जो फ्लैट है ना ये बहुत ज्यादा चिकना है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा चिकना है, और यहाँ पर जो हमारी प्रिंटिंग भी होती है ना बेड पे जो होती है वो भी काफी ज्यादा चिकनी होती है यहाँ पर। और ऊपर से भी यहाँ पर जो हम हाथ फेर के देखते हैं ना इसके ऊपर, तो यहाँ पर हमें कोई भी महसूस नहीं होता कि ये प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रिंटर में क्या होता है हम हाथ जैसे घुमाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये प्रिंट किया हुआ है, उसमें एक रेशे रेशे से होते रहते हैं, यहाँ पर वो कुछ भी हमें फील नहीं हो रहा है इसके अंदर। और साथ ही में गाइज ये जो देख सकते हो इस टाइप के जो मूवमेंट्स है ना ये कोई बाद में हमने लेके जॉइंट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक इसी टाइप का प्रिंट किया है इसने, इस टाइप से प्रिंट किया और हमने यहाँ पर उठाकर इसको इस टाइप से निकाल लिया है। तो गाइस ये सारा का सारा इसी प्रिंटर के अंदर हुआ है और सारी फाइल्स के अंदर हमारा इसी टाइप का प्रिंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी ऐसे जॉइंट में पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर टच हो रहा है कहीं भी ऐसा, मतलब बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर ये जॉइंट बनाया इसने। और गाइस ये शेरमून V1 की प्रिंटिंग, और गाइस इसकी प्रिंटिंग की बात कर ली जाए तो ये भी काफी अच्छी है, लेकिन K1 के आगे ये थोड़ा कम है, क्योंकि गाइस ये है 70,000 रुपए का प्रिंटर और ये है 45,000 रुपए का प्रिंटर। इसके ऊपर जैसे हम हाथ घुमाते हैं ना ऐसा, तो हमें पता लगता है कि ये जो है प्रिंटिंग किया हुआ है, हल्के हल्के इसके अंदर से लाइनिंग होती है। और देख सकते हो एक चीटी भी आई है, इसको थोड़ा भगा देते हैं वरना लग लुगा जाएगी इसके। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा हाथ घुमाएंगे ना तो हल्का हल्का सा इसके अंदर जो है ना दाने दाने से दिखेंगे, जो कि 3D प्रिंटर में दिखते हैं उसी टाइप के। और पीछे की साइड में भी यहाँ पर आप देख सकते हो उसी टाइप की फील आएगी 3D प्रिंटिंग जैसी। और गाइज ये है इंडर S1 Pro का प्रिंटिंग, और गाइज ये जो है काफी ज्यादा खुश कर रहा है मुझे, क्योंकि इसका प्राइस भी काफी कम है और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। और इन तीनों के जो स्पीड की टेस्ट में ये सेकंड में आया है, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा K1 आया है जो स्पीड किंग है, सेकंड में हमारा जो इंडर आया है, और शेरमून जो है लास्ट में आया है यहाँ पर। S1 Pro जो है एक DIY किट है, इसके अंदर आपको 2-step असेंबली मिल जाती है। अब भाई ये जो है आपको 2 pieces के अंदर मिलने वाला है, इसको बस आपको दोनों को अटैच करना है और यहाँ पर ये जो गाइस हमारा प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाता है। इसके साथ में मिल जाता है आपको एक LED लाइट, जो कि आपको डार्क एनवायरमेंट में प्रिंटिंग के लिए सपोर्ट करेगा। इस मशीन की खास बात यह है कि इसका एक्सट्रूडर हटाकर आप लेजर एंग्रेविंग सिस्टम भी लगा सकते हैं। इसका नोजल टेम्परेचर 300 डिग्री तक चला जाता है, जो कि यार DIY प्रिंटर के साथ में हमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। इसके साथ में आपको मिलेगा ऑटो बेड लेवलिंग,
फिलामेंट डिटेक्टर, रिज्यूम सिस्टम। सेकंड प्रिंटर है सेलमोन V1, ये एक हॉबी प्रिंटर है, ये एक साइलेंट प्रिंटर है, ये स्टूडेंट के लिए बना हुआ है, आप इसका यूज स्कूल लैब के अंदर भी यूज कर सकते हो। ये प्रिंटर फुल असेंबल प्रिंटर है, आप डायरेक्टली बॉक्स से निकालिए और यूज कर सकते हो इसका। और अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो ये आपके बच्चे के लिए काफी अच्छा गिफ्ट रहेगा। और भाई हमारा तीसरा प्रिंटर है K1, और गाइज ये प्रिंटर है हमारा विनर, जिसकी स्पीड भी काफी अच्छी है और यहाँ पर जो है इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और इसका पैसा जो है ना वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पर जैसा इसको बोला जाता है स्पीड ऑफ किंग, ये रियली में स्पीड का किंग है।